प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। किसी होश में बोलना, हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। उन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कही जो कि आपत्तिजनक। हम सब लोग आज SSP साहब के यहाँ FIR कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर गाइस, आप सभी ने सुना और देखा भी कि कैसे दो बड़े महान संत आपस में भिड़ चुके हैं, और ये सब राधा रानी को लेकर विवादित बयान जो टिप्पणी की है प्रदीप मिश्रा जी ने अपने मंच से, उसको लेकर हुआ है। तो प्रेमानंद महाराज जी का इस पर बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा फूट चुका है और ब्रजवासी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो चुके हैं। और वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को भिजाकर भागवत चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने प्रेमानंद महाराज जी को जवाब देते हुए कहा है कि जिसको वो उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता। श्री जी को क्यों जान जाएगा? प्यारोढुम क्षम देने अच्छी सुखादे नाम तु यद ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखाद के भी ध्यान में नहीं आने वाली है वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। हे चार श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मनाया सो नरक जाओगे, ध्यान रखना वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं। बोलने का अधिकार पहले ठीक, पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तू लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले। नहीं ऐसा ना समझे, उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बैर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। से कहा है कि यहाँ करके राधा रानी से क्षमा मांगे अथवा हमारे साथ आकर के साक्षात करे, यदि वो अपनी बात को सिद्ध कर देगा तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। वो राधा कृष्ण को अलग अलग सिद्ध करने में लगा हुआ है। कृष्ण प्रेम मयी राधा, राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर ममः। राधा कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। इनकी इन बातों से असंख्य लोगों के हृदय को आघात हुआ है, हम लोग बहुत दुखी हैं। बरसाने का ही है, और बरसाने के वर्णन होने के कारण से सभी लोग जानते हैं कि राधा का घर बरसाने था, और बरसाने जो है जमुना के उस पार था, इसलिए आने जाने के लिए भी व्यवस्था उनकी उस नाव से होती थी। तो बरसाने होने के कारण से जहाँ पर वर्षा बराबर हुआ करती थी, और जो आनंददायक क्षेत्र है इसलिए उसको बरसाने कहते थे, और बरसाने के रहने वाली राधा जी हैं और गोकुल के रहने वाले भगवान कृष्ण। कि आप एक अच्छे कथावाचक हैं और आपको पूरे भारत में लोग जानते हैं, अभी तो पूरे विश्व के सनातनी बंधु जानते हैं, लोग आपको सुनते हैं, फॉलो करते हैं, जब आप स्वयं इस प्रकार से बयान देंगे, आपत्तिजनक बयान देंगे, तो
तो क्या मैसेज जाएगा देश दुनिया में? स्वयं आप बुद्धिमान हैं और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप स्वयं विचार करिए, उसकी समीक्षा करिए, पूर्णतया गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और क्योंकि जग विदित है कि राधा रानी जी बरसाना से बृषभानु कुमारी हैं और उनको जो है कहीं और का बताना और एक नए तरीके से एक आप उदाहरण प्रस्तुत करना, ये अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा सिद्धि दिखाना होता है, यह नहीं स्वीकार किया जाएगा भारत में।